एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप सभी से एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, हर एक का हर एक सवाल का जवाब दूंगा। चारों एप्लीकेशन के बारे में बता दीजिए, कोर्ट ने क्या मंजूर किया, क्या और क्या एप्लीकेशन था। सबसे पहली बात, पुलिस ने कल जिस ग्राउंड पे उनकी रिमांड मांगी थी, सेम ग्राउंड पे आज भी उन्होंने रिमांड मांगने की कोशिश की, जिसको कोर्ट ने नकारा है, और उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेज के जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। हमने जो चार एप्लीकेशन किया है, उसमें से एक एप्लीकेशन था होम फूड के लिए और मेडिसिन के लिए, जो अलाउ हो गई है एज पर जेल मैनुअल। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा था एडवोकेट और फैमिली को मिलने दिया जाए, वो भी हमारा अलाउ हो गया है एज पर जेल मैनुअल। थर्ड एप्लीकेशन था कि जो शीजान का अपियरेंस है इंक्लूडिंग हिज हेयर, वो डिस्टर्ब ना हो करके उसका हेयर प्रिजर्व करने के लिए जेलर को डायरेक्शन दिया जाए, जिसपे इंटरिम में हमें रिलीफ 2 जनवरी 2023 तक मिल गई है। पीपी ने थ्रू कंप्लेनेंट के वकील ऑब्जेक्शन लिया है, जिस वजह से जेलर का सेम मंगाया गया है। और फोर्थ हमने एप्लीकेशन की थी काउंसलिंग के लिए और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जीशान इनोसेंट है, मेरा स्टैंड डे वन से था वो बेगुनाह है, और आज मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर क्या है, सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी या सीक्रेट बॉयफ्रेंड थी। पुलिस के सामने ये सारे साक्ष्य और सबूत हमने दे दिए हैं ऑलरेडी, और उसकी माँ ने, और जो ये पवन शर्मा करके एक शख्स है जो मिसगाइड कर रहा है पूरे इन्वेस्टिगेशन को, इन लोगों ने मिसगाइड किया है इंटेंशनली डेलिबरेटली। मंडे सवेरे 11 बजे हम रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस विथ शीजान की फैमिली, और सारे तथ्यों जो जो एलिगेशन लगाए हैं उनके सबूत देंगे कि कैसे सरासर सारे आरोप नॉट ओनली झूठे हैं, किया किसी और ने है, और भुगत रहा शीजान है। सर, पवन शर्मा भोगस है या कैसे कह सकते हैं? सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, पवन शर्मा मिसगाइड कर रहे हैं, गंभीर या कैसे कह सकते हैं? बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। अभी तक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात पुलिस कह रही थी, व्हाट्सएप चैट की बात सामने आ रही थी, अब आप पहली बार ये बात सामने रख रहे हैं। कौन सी चीज ऐसी आपके हाथ लग गई जिसके बेसिस पर आप ये बात कह रहे हैं? मंडे सवेरे 11 बजे का इंतजार करिए, मैंने 4 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया, आज नहीं दिया है मैंने। 4 दिन पहले बॉम्बे टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे कवर किया है, जहाँ पे मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, आई हैव एन एविडेंस टू प्रूव दैट शी हैज मूव्ड ऑन। सर, आपने कहा पवन शर्मा मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन वो तो उनके मामा है, और किस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं? पवन शर्मा का और उनकी फैमिली का किसी तरह का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। पवन शर्मा इनके कौन थे, क्या थे, मंडे का इंतजार करिए, मंडे सवेरे 11 बजे हम सब पक्ष रखेंगे। आप सर बेल एप्लीकेशन कब तक फाइल करेंगे? सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, अगर आज मिल गया तो आज, नहीं तो मंडे सवेरे 11 बजे हम फाइल कर देंगे। थाने सेशन कोर्ट में फाइल किया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहीं पे वसई सेशन कोर्ट में फाइल किया जाएगा। अच्छा, ये परिवार सीक्रेट बॉयफ्रेंड की जो बात आप बता रहे हैं, ये किसके, तुनिशा के या किसी अन्य के? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है, खुलकर अब मंडे 11 बजे का वेट करिए, मुझे उनके फैमिली को साथ में लेके आप सबके सामने आना है, क्योंकि जितने आरोप उनके उनके फैमिली पे लगे हैं, सारे के सारे आरोप नॉट ओनली झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। पुलिस की जांच को किस तरह से देखते हैं? इतने दिनों तक जांच हुई, 3 दिन उनको पुलिस कस्टडी में मिली, उनकी जांच को किस तरह से देखते हैं? पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल के प्रेशर में आके शीजान खान मोहम्मद को अरेस्ट किया है, नहीं तो पूरे FIR में जो एलिगेशन तथ्य रखे गए थे, अगर आप उसको फेस वैल्यू पे भी लोगे तो 306 का केस शीजान के खिलाफ नहीं बनता। जिस चीज़ को आप सीक्रेट बॉयफ्रेंड कह रहे हैं, उनकी माँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछा गया था, आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी माँ ने अपना किसी से इस तरह के संबंध होने की, बॉयफ्रेंड होने की बात से इनकार किया, क्या आप तुनिशा को कह रहे हैं, उनकी माँ को कह रहे हैं? क्योंकि उनकी माँ से सवाल पूछा गया था, तो आप अभी यहाँ पर तमाम नेशनल मीडिया चैनल्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। उनकी माँ को सब कुछ मालूम था, उन्होंने जानबूझ के पूरे इन्वेस्टिगेशन का दिशा भूल किया है। आप मंडे 11 बजे तक का इंतजार करिए, चाहिए तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं, उनके पास हमने सारे सबूत दे दिए। मतलब आपका कहना है जो आरोप शीजान पे लग रहे हो गलत है सब? जो बात है इस पर तो वीडियो आए थे, वो वीडियोस कहाँ के थे? दरगाह फरा जो उनकी सिस्टर थी वो लेकर जाती थी, इस तरह की बात परिवार की तरफ से कहे गए, थप्पड़ मारे थे शीजान ने, ये कहा गया, सरासर बेबुनियाद है। जो कॉस्ट्यूम में वो फोटो आए हैं आप देख लीजिए, वो अलादीन के सेट से लिए गए फोटो हैं। एपिसोड का मंडे को आपको नंबर भी दे दूंगा, जिसमें वो कॉस्ट्यूम यूज़ किया हुआ है, जिसमें वो लड़की के फादर बीमार रहते हैं, और वो एक शॉट लिया गया है। जहां तक गणपति का पूजा का एक फोटो आया है, वो भी उन्होंने उसी सेट से दिया गया है, हैप्पी गणेश चतुर्थी का विश करके पूरी पब्लिक को। कौन सी दरगाह पे ले जाने की बात करते थे? वो खुद दरगाह नहीं जाते हैं, वो किसको, किसी और को कहां दरगाह ले जाएंगे? पीड़ित परिवार ये सुरक्षा की मांग की थी, क्या लगता है जेल में भी उसके ऊपर अटैक की बात है? किस वजह से? क्योंकि जेल तो वैसे भी सिक्योर होता है, वहां पर किस चीज का डर है? जो लव जिहाद का आरोप लगाया गया उसकी वजह से क्या ये डर है? ये लड़का बेगुनाह है, इसको जो अरेस्ट किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है,
ये लड़का आज जो खुद फेस कर रहा है, जो उसकी फैमिली फेस कर रही है, इस चीज़ को ना तो आप समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, बट यहाँ पे एक बेगुनाह लड़का जेल में है आज, किसके वजह से, क्यों गया है जेल में, किसने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को मिसगाइड किया है, किसने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया है। पवन शर्मा कहते हैं कि मैं मामा हूँ, आप पवन शर्मा को पूछिए वो सच्चे मामा हैं क्या उनके? नहीं, उन्होंने आज बताया कि उनकी माँ जो है तनुषा की, वो 10 साल से उनको राखी बांधती है, उनके सगे नहीं, उनके चूँकि लंबे समय से रिश्ते हैं इसलिए उनको मामा कहती थी। सवाल ये सर, क्या आपने क्लियर नहीं बोला, क्या जेल में पिटाई का डर है, एक सवाल, जिस वजह से सिक्योरिटी की मांग की गई है? उसकी खुद की मेंटल स्टेटस अभी क्या है ये आप भी नहीं समझ पाएंगे, मैं भी नहीं समझ पाऊँगा। 3 दिन पहले वाशी तलोजा जेल में एक जन ने सुसाइड किया है, जिस वजह से हमने काउंसलिंग का प्रेयर मांगा है एंड काउंसलिंग विद सिक्योरिटी की, उस पर नजर रखा जाए, उसे अकेला ना छोड़ा जाए। सर, शीजान ने आपसे कोई बात की इतने दिनों में, शीजान की तरफ से कोई स्टेटमेंट या आपको कुछ बातें बताई गई? स्टेटमेंट कुछ कहा हो शीजान ने? शीजान ने क्लियर कट कहा है उसे न्याय पे पूरा भरोसा है, सत्यमेव जयते, वो बेगुनाह है। पीड़ित परिवार एक बात कर रहा है कि परिवार को, शीजान के परिवार को या शीजान को बाल की चिंता ज्यादा है, एक लड़की की जान गई है, संवेदना खो गया है, अपने करियर का, टीवी से शो का उसकी चिंता है, बाल की चिंता है, लड़की की संवेदना खत्म हो गई। शीजान ने जिंदगी में लास्ट के 10 मिनट तुनिशा को अगर दे दिए रहते या नहीं दिए रहते, जो पुलिस आरोप है उनके फैमिली आरोप लगा रही हैं, तो उनकी माँ ने तो 20 साल फेल किया है अपनी बेटी को। आप वेट करिए मंडे 11 बजे का, सारे तथ्यों के साथ हम आपके सामने। सर, आपने कहा कि पवन शर्मा मिसगाइड कर रहे हैं, तुनिशा की माँ की ओर से जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ भी कुछ मामला या आगे कुछ एप्लीकेशन करने की सोच रहे हैं? करेंगे, कोर्ट में इस बात को रखेंगे। मेरा पहला रोल है मेरे मुवक्किल मेरे क्लाइंट को बाहर निकालना, मुझे उनको पहले बेल पे बाहर निकालने दीजिए, उसके बाद मेरी उनसे जो भी बातचीत होगी, जो भी एडवाइस करूंगा, जैसा हमारा डिसीजन होगा वैसा हम। क्या आपने कहा 20 साल तक बेटी को फेल किया, ये क्या ये स्टेप फादर का इसमें एंट्री होने जा रहा है कहानी में? एंट्री होने जाने वाली बात नहीं है, आप तलोजा जेल का जिक्र करें, कैदी ने आत्महत्या की, क्या ऐसी मेंटल कंडीशन है शीजान की, कोई ऐसा स्टेप उठा सकते हैं कि जिस बेसिस पर आप लोग सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं? जिसने पूरी जिंदगी में ना पुलिस देखा ना कोर्ट देखा, अचानक आज पूरे मीडिया के सामने वो ट्रायल फेस कर रहा है, आप लोगों ने उसको क्या क्वेश्चन मार्क डाल के साबित कर दिया है, इसकी जानकारी मुझसे बेहतर आप लोगों को है। Sir, thank you so much. Thank you. Sir, thank you.